नमस्कार, न्यूज 47 में आपका स्वागत है। आपने कई अजीब और गरीब कहानियां सुनी होंगी और तथ्य भी सुने होंगे। हम आपको एक तथ्य बताने जा रहे हैं बिस्किट के बारे में। दरअसल ये कंपनी बिस्किट का स्वाद बताने के लिए ये कंपनी देगी नौकरी, 40 लाख रुपए सालाना तक होगी तनख्वाह। हर किसी का सपना होता है कि एक उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए। ऐसे में अगर किसी को केवल बिस्किट खाने के लिए नौकरी का ऑफर किया जाए और 40 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। दरअसल एक कंपनी ऐसे ही कर्मचारी की तलाश में है जो सिर्फ बिस्किट खाए और उसकी कंपनी की सैलरी ले जो कि 40 लाख रुपए है। बता दें कि स्टॉकलैंड की बिस्किट निर्माता कंपनी बॉर्डर बिस्किट ने कुछ इसी तरह की नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। इस कंपनी को अपने लिए मास्टर बिस्किटर की तलाश है। मास्टर बिस्किटर का मतलब ये है कि कंपनी अपने बिस्किट टेस्ट करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखेगी और इसके बदले सालाना 40,000 पाउंड यानी लगभग 40 लाख रुपए तक पैकेज देगी। हालांकि कंपनी ने इसके लिए आवेदकों से कुछ खास हुनर भी ढूंढ रही है। इस नौकरी के लिए आवेदक को बिस्किट का स्वाद और बिस्किट की उत्पादन की गहरी समझ रखने के साथ साथ नेतृत्व कौशल और बातचीत में माहिर होना होगा। कंपनी का कहना है जो भी बिस्किट आवेदक ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाने के लिए दिलचस्प उपाय सुझाएंगे उन्हें नौकरी के लिए तवज्जो दी जाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक का कहना है कि वे देश भर में लोगों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अच्छे प्रतिभागियों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर बिस्किट द्वारा निकली गई ये वैकेंसी फुल टाइम होगी। इसके अलावा कर्मचारी को साल में 35 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। ये नौकरी किसी के लिए भी सपने को सच करने वाली होगी। वही कंपनी ने बताया कि ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ स्वाद तथा गुणवत्ता वाले बिस्किट परोसने के लिए कंपनी प्रसिद्ध है। इस प्रतिबद्धता को अमल में लाने के लिए उसे नए मास्टर बिस्किटर की तलाश है। बता दें कि 2019 में ऐसा ही एक जॉब कैडबरी ने भी निकाला था। कैडबरी को उस समय दुकानों में आने से पहले उत्पादों के नमूनों के लिए 4 चॉकलेट टेस्टर की जरूरत थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।